की गोल में एक और शेर गाजीपुर का शहीद हो गया। सबके आंखों में आंसू है, दर्द इतना है कि माँ क्या बता सकती है। दोस्तों हम मौजूद हैं इस समय बजुई हाल्ट पे, जो एक ऐसे शेर जो कुछ दिन पहले भारत माता की गोद में सो गया, उसके इंतजार में कितनी लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, किस तरह से वेट कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है कि इन लोगों के अंदर क्या दर्द होगे। आइए हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि शहीद अभिषेक यादव कौन थे, कैसे थे, किस प्रकार से इन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की थी, कहां से ज्वाइन की थी। तो सर आपका स्वागत है, क्या नाम है आपका? ब्रजेश भारद्वाज। यहाँ पे आप लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? हम अपने दोस्त और जो लड़का था, हम लोग के बीच में दौड़ने वाला लड़का था, वो भर्ती हो गया था अपने ड्यूटी पीरियड में, वो शहीद हो गया है। अच्छा, उसके मिट्टी के सम्मान के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अच्छा ये बताइए भैया, कब इनकी ज्वाइनिंग हुई थी? आज से 2 साल पहले हुई थी। 2 साल पहले। उनका नाम अभिषेक यादव। अभिषेक यादव। अच्छा उनका पूरा परिवार, थोड़ा सा बताइए कि कैसे, कहाँ उनका घर है, के परिवार के कौन कौन जी, कौन बताएं? ये जो है उनका घर तो वृंदावन है, जो हुरमुजपुर हाल्ट से मात्र 1 किलोमीटर दूरी पे है। इनके पिताजी का नाम रामजन्म यादव है। ये बहुत ही अच्छे परिवार, मतलब बहुत गरीब परिवार से थे, एक किसान के बेटे थे एक, और इन्होंने बहुत मेहनत की थी हम लोग के बीच रहते हुए, बहुत मेहनत की थी इन्होंने, जो कि हम लोग को बहुत दुख हो रहा है इस समय। हम लोग के बीच अभिषेक राज यादव नहीं है। इनके आंखों में आंसू है दोस्तों, इनके आंखों में आंसू है, कि कुछ कह नहीं पा रहे हैं, कि सारी बात बताने में बहुत सा अजीब फील हो रहा है कि इनका दोस्त दुनिया से छोड़ कर चला गया। दुनिया से तो चला ही गया, लेकिन भारत माँ के रक्षा करते करते वो शहीद हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे आप लोग, लेकिन फिर भी भारत माता की रक्षा करते करते वो शहीद हो गए। और उनके मित्र हैं, हम हमारे साथ दौड़े भर्ती हुए हैं, दौड़ते थे इनके साथ साथ भर्ती हुए, इसके बाद ये काफी नजदीक हैं। अच्छा, हमें इसके बहुत काफी दुख हुआ है। अच्छा, ऐसी घटना घट गई अचानक। अच्छा, वो छुट्टी आने वाले 3 तारीख को छुट्टी आने वाले थे, 3 तारीख को मई में। आप क्या करते हैं? हम दौड़ते हैं, तैयारी करते हैं। लेकिन आपको पता है कि लगातार गाजीपुर में कई ऐसे लोग शहीद होते गए हैं, तो अब आप लोग भर्ती कर रहे हैं, तो तैयारी कर रहे हैं आप लोग? जी भैया जी। फिर आप लोगों को डर सा नहीं महसूस हो रहा है? नहीं भैया, नहीं नहीं, तो शहीद हमें इसे गर्व है, हमको हमें नहीं नहीं भैया, हमें इसे गर्व महसूस हो रहा है। ठीक है सर, हम लोग को गर्व है उनके अभिषेक यादव पर, कि भारत माँ के लिए शहीद हो गए। हम लोग भी तैयारी करते हैं इंडियन आर्मी की। वाह वाह वाह, इंडियन आर्मी के लोग तैयारी करते हैं, इन लोग गर्व है कि कोई शहीद हुआ है। बात रही है, हम फिर भी तैयारी करेंगे, भारत माँ की सेवा की रक्षा करते रहेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, लाइव दिखाता रहूँगा कैसे लाश आ रही है, किस तरह से लोग उनका स्वागत करते हैं। सत्या एक्सप्रेस के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।